नमस्ते, टेरेस किचन में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेकफास्ट के लिए अंकुरित मूंग का चीला बनाएंगे। यह बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ अंकुरित मूंग, बेसन, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, तिल, कलौंजी, अजवाइन, हल्दी का पाउडर, नमक और तेल लिया है। सबसे पहले हम अंकुरित मूंग को मिक्सी के जार में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि इसी तरह हम इसे दरदरा पीस लेंगे। कटोरा में बेसन डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका घोल बनाएंगे। इसमें पीसा हुआ अंकुरित मूंग डालेंगे। और इसे मिक्स करेंगे। इसमें हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ता, एक चम्मच तिल, एक चम्मच कलौंजी, एक चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। घोल बहुत ही ज्यादा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे ना ही बहुत ही ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ही ज्यादा पतला। अगर आपका घोल ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें, और अगर वो पतला लग रहा है तो उसमें एक चम्मच बेसन मिला लें। तावा में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इस पर घोल डालेंगे और इसे फैलाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पकाएंगे। देखिए, ये ऊपर से पूरी तरह से सूख गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे पलट देंगे। इसे दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे पलट देंगे। इसे दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक इसे पकाएंगे। ये दोनों तरफ से गोल्डन कलर का हो गया है, इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी अंकुरित मूंग का चीला तैयार है। धन्यवाद।